जेवर स्थित रोही गांव के जमीन पर नोएडा एयरपोर्ट के शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को आएंगे। कार्यक्रम की शुरुआत दोपहर 12 बजे से होगी। दोपहर करीब 1:30 बजे कार्यक्रम समाप्त होगा। इसे सफल बनाने के लिए यमुना प्राधिकरण, जिला प्रशासन, पुलिस कमिश्नरेट, विशेष सुरक्षा दल समेत दूसरे अन्य विभागों की तरफ से पूरा अमला एयरपोर्ट साइट समेत अन्य स्थानों पर तैयारियों में जुटे हैं। कार्यक्रम के आयोजन को लेकर एक एक पॉइंट पर गहन मंथन किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री का कार्यक्रम करीब 1.5 घंटे का होगा। इसमें शिलान्यास समेत प्रदर्शनी और अन्य गतिविधियां शामिल है। मंच पर खास लोगों की मौजूदगी रहेगी, लेकिन संख्या को लेकर फिलहाल स्थिति साफ नहीं है। संभावना जताई जा रही है कि करीब 10 से 15 बेहद खास लोग मंच पर बैठ सकते हैं। यमुना प्राधिकरण की ओर से कई नामों की सूची लखनऊ भेजी गई है, लेकिन इसकी मंजूरी प्रधानमंत्री कार्यालय से होगी। इसमें स्थानीय स्तर पर शामिल होने वाले सांसद, विधायक, प्रदेश के मंत्री समेत अन्य लोग शामिल हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री समेत ज्यूरिख इंटरनेशनल के चेयरमैन भी होंगे। ज्यूरिख के चेयरमैन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए कार्यक्रम स्थल के लेआउट में थोड़ा बदलाव किया गया है। पहले सभी लोगों के लिए पंडाल यानी हैंगर तैयार किए जा रहे थे, लेकिन सुरक्षा को देखते हुए अब इसमें बदलाव करते हुए आम लोगों के लिए खुले में बैठने की व्यवस्था होगी। मंच के सामने कोई पंडाल नहीं रहेगा। VIP लोगों और मीडिया के लिए पंडाल होंगे जो थोड़ा हटकर होंगे। हालांकि मीडिया की गैलरी मंच के सामने होगी। यही वजह है कि पहले से लगाए गए पंडाल को बृहस्पतिवार को हटाने का काम किया गया। कार्यक्रम में एयरपोर्ट के 2 और 5 रनवे के 2 मॉडलों की प्रदर्शनी लगेगी। प्रधानमंत्री इसे देख सकते हैं। इसके अलावा 2018 से 2021 तक की एयरपोर्ट की विकास की यात्रा की फिल्म दिखाई जाएगी। इसमें दिखाया जाएगा कि एयरपोर्ट की राह में कितनी बाधाएं आईं, कब कब काम में तेजी आई, इसके अलावा कौन से महत्वपूर्ण दिन क्या क्या काम हुआ जिससे शिलान्यास तक की राह आसान हो गई। इसके अलावा एयरपोर्ट से कहां कहां किस तरह से मेट्रो, सड़कें और रेल कनेक्टिविटी हो रही है, इसे भी दिखाया जाएगा। कार्गो की सुविधा के बारे में भी बताया जाएगा। ये सब कुछ PM के सामने प्रेजेंटेशन के जरिए दिखाया जा सकता है। कार्यक्रम स्थल से हर 30 मीटर दूरी पर एक LED होगी। इसमें मंच और प्रदर्शनी स्थल पर चल रहे कार्यक्रम को जनता लाइव देख सकेगी। करीब 60 से 70 LED लगेंगी।